अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार दोस्तों, IIFL सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पिछला हफ्ता मार्केट का कैसा रहा और आने वाले हफ्ते में इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल मार्केट का ट्रेंड कैसा हो सकता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे इक्विटी कमोडिटी करेंसी मार्केट में मार्केट का ट्रेंड कैसा हो सकता है और अगले हफ्ते मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से होंगे। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इक्विटी मार्केट से। हमने देखा पिछले हफ्ते फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट क्वार्टर पॉइंट से बढ़ाए, जिसके बाद हमने देखा इक्विटी मार्केट में एक शानदार रिकवरी आती हुई देखी गई। डाउ जोन्स करीबन 5.5% की तेजी के साथ 34,754 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी हमने अच्छी बढ़त आते हुए देखी। सेंसेक्स करीबन 4.25% के गेंस के साथ 57,863 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। निफ्टी के अंदर भी हमने करीबन ऑलमोस्ट 4% तक के गेंस आते हुए देखे और निफ्टी करीबन 17,287 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। कहीं ना कहीं देखें तो अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो हमने वीक के एंड में FIIs की तरफ से नेट खरीदारी होती हुई देखी, जिसकी वजह से हमने इक्विटी मार्केट में एक बढ़त बनते हुए देखी। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से मार्केट ने ब्रेकआउट लिया है, टेक्निकल चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बना है और फंडामेंटली भी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है, तो आने वाले दिनों में इक्विटी मार्केट के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स सपोर्ट 16,700 से लेकर 16,300, रेजिस्टेंस 17,550 से लेकर 17,900 का रहेगा। हमारा मानना है कि आने वाले हफ्ते में मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है और इक्विटी मार्केट के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम रह सकता है, जो कि ऊपर 17,550 से लेकर 17,900 तक के टारगेट के लिए मार्केट में तेज़ी देखी जा सकती है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह ली जा सकती है। अब हम बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। तो जहाँ हमने इक्विटी मार्केट में बढ़त आते हुए देखी, वहीं हमने देखा गोल्ड सिल्वर के अंदर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। गोल्ड के भाव MCX में करीबन 2.71% की गिरावट के साथ 51,447 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम स्पॉट मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 3.75% की गिरावट रही और करीबन $1,921 के स्तर पर गोल्ड के भाव बंद होते हुए देखे गए। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं और माना जा रहा है कि आगे भी और इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर हमने गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा। हमें लगता है अगले हफ्ते भी गोल्ड के अंदर एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी गोल्ड का पॉजिटिव है, मगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड में एक प्रॉफिट बुकिंग, एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाकी सेंट्रल बैंक्स भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो गोल्ड में कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। गोल्ड में अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50,800 से लेकर 50,300, रेजिस्टेंस 51,800 से लेकर 52,300 का हो सकता है। हमारा मानना है कि अगले हफ्ते गोल्ड के अंदर गिरावट देखी जा सकती है और गोल्ड का भाव नीचे 50,800 से लेकर 50,500 तक और इंटरनेशनल मार्केट में $1,890 तक के लेवल दिखा सकता है। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर के भावों में भी नरमी देखने को मिली और सिल्वर के भाव करीबन 3.5% की गिरावट के साथ 67,876 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर के भावों में करीबन 3.5% की गिरावट रही और करीबन $24.94 पर आउंस के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। सिल्वर में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 65,500 और 63,000 का रहेगा। रेजिस्टेंस 69,500 से 71,000 के बीच हो सकता है। हमारा मानना है कि सिल्वर के अंदर भी डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है और सिल्वर के भाव नीचे 65,500 से लेकर 65,000 तक के लेवल को छू सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $24.20 के लेवल देखे जा सकते हैं, यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बेस मेटल की। तो जहाँ हमने बुलियंस में गिरावट आते हुए देखी, वहीं हमने बेस मेटल में मिलाजुला रुख देखा। हालांकि यहाँ पर भी हायर लेवल पर सेलिंग देखने को मिली, मगर अगर हम कॉपर की बात करें तो यहाँ पर करीबन 0.70% के गेंस देखने को मिले और कॉपर के भाव 816.50 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। कॉपर के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 790 से लेकर 770 और रेजिस्टेंस 825 से लेकर 845 का रहेगा। हमारा मानना है कॉपर के अंदर अगले हफ्ते कुछ नेगेटिव टेरिटरी के साथ ट्रेड हो सकता है और यहाँ पर 790 से लेकर 785 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कमोडिटी से हटकर इक्विटी मार्केट में जा सकता है, जहाँ पर हम कमोडिटी मार्केट में गिरावट देख सकते हैं।
जिंक के भावों में भी हमने बढ़त बनते हुए देखी। 0.5% के गेंस के साथ जिंक के भाव करीबन 319.90 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। जिंक में महत्वपूर्ण सपोर्ट 310 और 300 का रहेगा, रेजिस्टेंस 330 और 345 का रहेगा। हमारा मानना है नीचे में जिंक के भाव नीचे करीबन 313 से लेकर 310 के स्तर को छू सकते हैं, तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। अब हम बात करें एल्युमिनियम की, जहाँ पर हम कंटिन्यूस तेजी देख रहे थे, पिछला हफ्ता एक गिरावट के साथ बंद हुआ। एल्युमिनियम के भाव करीबन 3.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 272.20 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। एल्युमिनियम के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 265 से लेकर 257, रेजिस्टेंस 280 से लेकर 285 का रहेगा। हमारा मानना है एल्युमिनियम के अंदर भी गिरावट के साथ ट्रेड हो सकता है। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखें तो मार्केट में गिरावट देखने को लग रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है जो कि आगे एक्सटेंड और हो सकता है, और एल्युमिनियम के भावों में हम गिरावट यहाँ पर करीबन 265 से लेकर 260 तक के स्तर को छू सकता है, तो बेस मेटल के अंदर भी बिकवाली की सलाह रहेगी। अब हम बात करते हैं एनर्जी सेगमेंट की। हमने देखा एनर्जी सेगमेंट में हमने अगेन एक गिरावट भरा सेशन देखा। क्रूड के भाव MCX में करीबन 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 7,864 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। हालांकि हमने कुछ एक रिकवरी आते हुए देखी थी, मगर एक्सपेक्टेशन है क्रूड के भावों में हम यहाँ पर सप्लाई का असर आते हुए देखेंगे। जिस तरीके से UAE ने और US ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी है, US के ऑयल रिग्स काउंट बढ़े हैं, उसकी वजह से हमें लगता है कि आने वाले समय में क्रूड की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी हमारा सेल का कॉल रहेगा। क्रूड में अगर सपोर्ट की बात करें तो 7,400 से लेकर 7,000 के बीच सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस 8,200 से लेकर 8,650 का रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड में सपोर्ट नीचे करीबन $102 से लेकर $95, रेजिस्टेंस $113 से लेकर $117 के बीच रहेगा। हमारा मानना है इंटरनेशनल मार्केट में $95 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं, और MCX में 7,400 से लेकर 7,000 रुपये तक के लेवल क्रूड में आ सकते हैं, तो यहाँ पर भी बिकवाली का ही ट्रेड रहेगा। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस में हमने ट्रेंड पॉजिटिव आते हुए देखा। हालांकि यहां पर भी हायर लेवल से कुछ बिकवाली देखने को मिली। नेचुरल गैस के भाव करीबन 1.5% की तेजी के साथ 370.10 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहां पर हम हायर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेंट्रीज यहाँ पर पड़ी हैं और समर सीजन में डिमांड कम होने का असर भी नेचुरल गैस पर रह सकता है, तो यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह रहेगी। सनराइज की मार्केट नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। नेचुरल गैस में स्ट्रांग सपोर्ट 345 से लेकर 325, रेजिस्टेंस 385 से लेकर 400 के बीच रहेगा। यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पे जो मार्केट है 345 से लेकर 385 के बीच ट्रेड हो सकता है। अब हम बात करते हैं करेंसी सेगमेंट की। जैसा कि हमने लास्ट वीक भी प्रेडिक्ट किया था कि USD INR अप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है, तो वैसा ही हमने इस हफ्ते भी ट्रेड होते हुए देखा। हमने देखा USD INR करीबन 0.91% अप्रिशिएट होकर 75.86 के स्तर पर देखा गया। हमारा मानना है जैसे जैसे इक्विटी मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी तो USD INR में यहाँ पर एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, मीन्स रुपी यहाँ पर डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रांग हो सकता है। हमारा मानना है यहाँ पर जो अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, सपोर्ट जो है करीबन 75.30 से 74.80, रेजिस्टेंस 76.30 से 76.60 का रहेगा, और रुपी यहाँ पर एप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। यहाँ पर जो ट्रेडिंग रेंज है यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी, 75.30 से लेकर 75 तक के लेवल USD INR में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर USD INR में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, मीन्स रुपी में एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। EUR INR की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने गिरावट आते हुए देखी, करीबन 0.5% की गिरावट के साथ EUR INR 83.93 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। EUR INR में स्ट्रांग सपोर्ट 83.30 से लेकर 82.80, रेजिस्टेंस 84.50 से 85.10 का रहेगा। हमारा मानना है EUR INR में अगेन हम गिरावट देख सकते हैं, और यहाँ पर जो टारगेट्स हैं 83.50 से 83.30 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो EUR INR के अंदर भी सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, यहाँ बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी की। एग्रीकल्चर कमोडिटी में हमने पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आते हुए देखा। हमने देखा ग्वार सीड ग्वारगम में हायर लेवल पर बिकवाली देखने को मिली, हालांकि लोअर लेवल पर भी वहाँ पर खरीदारी कुछ आती हुई दिखाई दी, मगर ओवरऑल अगर हम ग्वार सीड को देखें तो पिछला हफ्ता नेगेटिव रहा। ग्वार के भाव 0.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 6,160 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। ग्वार में अगर देखें तो डिमांड कम होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिली। जिस तरीके से चाइना में कोरोना वायरस फैल रहा है उसकी वजह से माना जा रहा है कि क्रूड के जो डिमांड है वो वहाँ पर कुछ कम हो सकती है, तो अगर क्रूड की डिमांड कम होती है तो ग्वार गम की जो एक्सपोर्ट डिमांड है उस पर असर देखने को मिल सकता है।
और अगर कोरोना वायरस दोबारा से फैलता है तो यहाँ पर हम ग्वार सीड ग्वार गम के भावों में कुछ नरमी देखने को देख सकते हैं। डिमांड भी यहाँ पर कुछ कम हो सकती है। ग्वार में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 5900 और रेजिस्टेंस 6450 का रहेगा। हमारा मानना है आने वाले हफ्ते के लिए ग्वार में एक रेंज 6000 से लेकर 6300 के बीच रहेगी। इसके बीच में मार्केट ट्रेड हो सकता है। जनरली सेलोन राइस का मार्केट देखने को मिल सकता है, तो बिकवाली की सलाह हेयर लेवल पर हो सकती है। अब हम बात करें मसालों की, तो मसालों के अंदर भी हमने यहाँ पर नरमी आते हुए देखी। जीरा के भाव करीबन 1.5% से गिरावट के साथ 20815 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। जीरा के अंदर हायर लेवल पर डिमांड कम होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिली। आने वाले समय में जीरा की अराइवल बढ़ सकती है, जिससे भावों में मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव और नरम हो सकते हैं। हमारा मानना है कि फिलहाल छोटी अवधि के लिए भावों में नरमी देखी जा सकती है, मगर लंबी अवधि में एक्सपोर्ट डिमांड से भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो फिलहाल छोटी अवधि के लिए हमारी सलाह बिकवाली की रहेगी। लंबी अवधि में भाव अगर नीचे 18500 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ खरीदारी की जा सकती है। मगर आज अभी अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो यहाँ पर हमारा मानना है कि जीरा के भावों में 20000 तक के लेवल बिकवाली की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जीरा में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19500 से लेकर 21600 का रहेगा। रेजिस्टेंस 21600 का रहेगा। यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट नीचे 20000 तक आ सकते हैं। अब हम बात करें कॉटन सीड ऑयल केक की। हमने जैसा लास्ट वीक भी प्रेडिक्ट किया था कि कॉटन सीड ऑयल केक में बिकवाली का ट्रेड हो सकता है, तो वैसे ही हमें ट्रेड देखने को मिला। कॉटन सीड ऑयल केक में हमने करीबन गिरावट आते हुए देखी। करीबन 0.89% की गिरावट के साथ कॉटन सीड ऑयल केक के भाव 3129 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। हायर लेवल पर डिमांड कम होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कॉटन सीड ऑयल केक में अगले हफ्ते भी गिरावट के साथ ट्रेड हो सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक में सपोर्ट 3050, रेजिस्टेंस 3250 एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर भी बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर टारगेट 3050 का देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों वीकली हालचाल, जहाँ हमने इक्विटी कमोडिटी करेंसी के इंपॉर्टेंट लेवल्स और ट्रेंड पर डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको ये वीकली आउटलुक पसंद आएगा। आज ही आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, IIFL का ट्विटर अकाउंट सब्सक्राइब करें, IIFL का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़, ऐसा इंटरेस्टिंग नॉलेज जो कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा मिलती रहेंगी। धन्यवाद।